नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। कोविड के इस दौर के गुजरने के बाद बिहार में पहली बार कुछ विशेष बीमारियों पर की जाएगी चर्चा। बिहार में पहली बार बच्चों की बीमारियों को लेकर पेट्रियोटिक कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार के ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा, जो कि 22 जनवरी को होने वाला है। देश भर के नामी डॉक्टर द्वारा सम्मेलन में चर्चा किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत सिंह ने कहा कि बच्चों का कुल्हा चटका रहता है, हिप इन्फेक्शन हो या डिलीवरी के समय हड्डी टूट गई हो, अक्सर जन्म के बाद लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं होती, इसके कारण वह बीमारी एक विशाल रूप ले लेती है। मतलब ये देखिए, बच्चों के हम बताएं कई बीमारियां होती है, लेकिन यहाँ खास करके कूल्हे के बारे में अब इतनी तरह की बीमारियां हैं कि सबका नाम बताने पर भी तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन ये समझिए कि बच्चा बोलता नहीं है, उसको आपको पहचानना है। एक बीमारी रहे तो बताया जाए नाम से, लेकिन ज्यादातर बच्चों में जैसे कूल्हा छटका रहता है जन्म से, बहुत लोग जानता है, लेकिन तो चलता नहीं है उस समय, इसलिए पकड़ नहीं पाइएगा। बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, नहीं पकड़ पाइएगा। हड्डी टूट गई डिलीवरी के समय में, नहीं पता चला। मैंने बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को पकड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, और अपने यहाँ लेट रिपोर्टिंग सबसे खराब काम है, जिसके चलते केस गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग बच्चों की जो हड्डियों से संबंधित बीमारी है उसके बारे में आम जनता को और अपने मेडिकल फैकल्टी में जो लोग हैं उसको जागरूक करें। इसमें इस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि डॉक्टर सौरभ चौधरी सर ने बताया कि इसमें बाहर से जो फैकल्टी आ रहे तो है ही, हमारे बिहार के और एडजॉइनिंग स्टेट से भी जो लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन को भी इनवाइट किया है इसमें, जो कि यहाँ पर आकर अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और अपनी बातों को हमारे सामने शेयर करेंगे, ताकि एक कंसेंसस बन पाए कि कैसे हम इन बीमारियों की रोकथाम कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये प्लान किए हैं कि कुछ हमारे शहर के जो बहुत ही गणमान्य डॉक्टर हैं, जिनको देख देख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। जितने भी पद्मश्री के डॉक्टर हैं हमारे बिहार में, हम लोग सब उनको बुलाएंगे और उनको एक मंच पर ले जाकर उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और ये पर्पस रहेगा हमारा, देखिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गई, आर्थ्रोस्कोपी हो गई, स्पाइन हो गई, एक सब स्पेशलिटी बन चुकी है, लेकिन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक, मैं कहूँगा कि नेगलेक्टेड टॉपिक होती है, कम लोगों को इसकी समझ भी होती है। सब लोग पीडियाट्रिक ट्रॉमा ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन कोल्ड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स ट्रीट करना, बहुत लोगों को इसको नेगलेक्ट हो जाती है पेशेंट्स को। इसी के बारे में जानकारी देना है कि कैसे इसको सही समय पर पकड़ा जाए, ताकि बच्चों की लाइफ, जो कि हमारे आगे फ्यूचर होते हैं, उनकी कैसी लाइफ को हम लोग एक अच्छा बना पाए। तो सुना आपने डॉक्टर क्या कुछ कह रहे थे। अभी की खबर के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ।